सो गाइस वेलकम बैक टू एमए टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में करने वाले कुछ ऐसे टाइप की मैनिपुलेशन एडिटिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होने वाली है, बिल्कुल एचडी एडिटिंग। और आज हम सीखने वाले हो बिल्कुल क्रिस्प क्लियर एडिटिंग, क्योंकि आज हम यूज़ करने वाले हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का। तो जो ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस आप भी अपने इस बोरिंग समय को थोड़ा सा फन कीजिए और गाइस वीडियो को ट्यूटोरियल को एंड तक देखिए और आप भी इस टाइप की एडिटिंग कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो मैंने ओपन कर लिया है। तो आपको सिंपली एल्बम में ओपन करने के बाद आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइस आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑटोडेस्क स्केच बुक एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सो ओके गाइस, यहाँ पे ये ओपन हो गया। आपको एक बार लेयर्स का ऑप्शन जाकर चेक कर लेना है, क्या कहीं आपकी दो लेयर्स तो नहीं बन गई है। फिर गाइस आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है और फिर गाइस इंपोर्ट इमेज के ऊपर जाना है और फिर गाइस आपको ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा आपका जो रीसेंट वाला है, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे रीसेंट में डाउनलोड है, तो गाइस यहाँ पे जो भी हम लोग की फ़ोटो है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। और गाइस उसके बाद आप यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं या फिर गाइस आप लोग इसमें अभी ऐसे ही रख सकते हैं और फिर बाद में आप लोग गाइस इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कर लिया, मैं अभी आपको यही प्रेफर करूँगा पहले ही कर लें। फिर गाइस आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो ये डन हो जाएगा। फिर गाइस आपको देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग की दो लेयर्स बन चुकी हैं। फिर गाइस आपको सिंपली आना है इस वाले ऑप्शन पर, इम्पोर्ट इमेज के ऊपर जाना है और फिर गाइस आपको ऑटोमेटिकली वापस ओपन हो जाएगा। फिर गाइस आपको जो वॉल वाली पीएनजी है उसे ऐड कर लेना है। फिर गाइस मैं यहाँ आ जाता हूँ और इस जो वॉल वाली पीएनजी है इसको सेट कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ओके गाइस, तो ये सेट हो चुकी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हम लोग का जो मॉडल है दानिश भाई वो पीछे है और वॉल आगे है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दानिश भाई को आगे रखना है, वॉल को पीछे रखना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने लेयर्स को पिंग लिया और इसको आप लोग को ड्रैग करके नीचे लाना है, मतलब जिसको आप ऊपर लाना अपने आपको बुलाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का ऐसे सेट हो जाएगा सिंपली। फिर गाइस आपको सिंपली आना है सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर, इम्पोर्ट इमेज के ऊपर जाना है और फिर गाइस आपको ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिर गाइस आपको ये अर्थ वाला जो मास्क वाला पीएनजी है उससे ओपन करना है और उसके बाद छोटा करके आपको एकदम साइड में लगा देना है। मेक श्योर आप साइड में लगाएं क्योंकि इसके एजेस नहीं तो देखने लगेंगे जो कि अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। इससे इतना होने के बाद आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपको आ जाना है फिर से सेकंड वाला ऑप्शन के ऊपर, इम्पोर्ट इमेज के ऊपर आ जाना है और फिर गाइस आपको आ जाना है इस वाले पी एन जी के ऊपर, इसको इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप कहोगे कि आप पूरी फोटो कवर हो गई है इससे, तो इसको ब्लेंड कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। आपको ये वाली जो अभी हमने पी एन जी ऐड करी है उसका जो लेयर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली। और फिर गाइस आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये नॉर्मल पे होगा। फिर आपको गाइस सिंपली स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना और इसे सिंपली ऐसे कर देना है। वैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि काफ़ी हम लोग अच्छा लोग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग की फ़ोटो है जो काफ़ी एडिट हो चुकी है, पूरी एडिट हो चुकी है। मतलब अभी हम लोग को लाइट रूम में कलर करेक्शन करना है, कलर ग्रेडिंग करनी है, जो जिससे हम लोग की बॉडी पर काफ़ी अच्छा वाइब्रेंस आ जाएगा और थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करनी पड़ेगी हमें। तो मैं सिंपली मैं चला जाता हूँ इस वाले टूल के ऊपर और शेयर के ऑप्शन पर जाना है, फिर आपको सेफ डिवाइस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन। गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं आज कल लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपनी फोटो को इंपोर्ट कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी एच डी क्वालिटी में हम लोग की काफ़ी क्लियर क्रिस्प फोटो एडिट होकर आई है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फिर उसके बाद आपको आ जाना है इस वाला टूल के ऊपर। फिर गाइस आपको इसके जो कॉन्ट्रास्ट है उसे थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना, सॉरी डिक्रीज़ कर लेना है और फिर गाइस ये थोड़ा डिक्रीज़ करने के बाद आपको हाइलाइट्स को थोड़ा इंक्रीज़ करना है बेसिकली। और तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। फिर गाइस आपको शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो मैं इसको थोड़ा शेडोज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली आ जाना है मिक्स टूल के ऊपर, मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपको आ जाना है ब्लू वाले के ऊपर, ब्लू वाले के ऊपर आने के बाद आपको ह्यू को थोड़ा सा कम करना है। और तो इतना काफ़ी है
गाइस फिर हम आ जाते हैं ऑरेंज वाले के ऊपर। ऑरेंज वाला जो हम लोग का स्क्रीन का कलर है, फिर गाइस हम लोग को इसके ल्यूमिनस को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, जिससे हम लोग के फेस पे थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाएगी। और गाइस इसके ह्यू को थोड़ा सा हमको कम कर देना है, और गाइस हम लोग के इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। फिर हम लोग को डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस हमको टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करना है, जिससे आप लोग देख सकते हैं कितना सही इफेक्ट अब आने लगा है। फिर गाइस हमें आ जाना है टिंट वाला ऑप्शन को, इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है। और फिर गाइस आपको आ जाना है वाइब्रेंस के ऊपर, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। और फिर गाइस आपको सैचुरेशन के साथ कुछ भी नहीं करना है। फिर गाइस आपको नीचे वाला टूल के ऊपर आ जाना है, और गाइस क्लैरिटी जो है क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, मैं इसको 20 कर देता हूँ। फिर गाइस आपको विग्नेट को थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, सॉरी गाइस ये डीएस हो गया हम लोग का कम, तो विग्नेट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके गाइस, तो फिर मैं आ जाता हूँ स्प्लिट टोन वाले ऑप्शन के ऊपर। स्प्लिट टोन पर आने के बाद आपको देखिए हाईलाइट्स को ब्लू में लेके आना है। ओके, तो हाइलाइट्स को ब्लू में ले आए, शेडोज़ को भी ब्लू में लेके आ जाना है, और बैलेंस को आपको कम कर देना है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे -10, और डन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर वैसे आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, और शार्पनेस को जो है इंक्रीज़ कर देना है, जिससे आप फोटो और क्लियर क्रिस्प हो जाएगी। और इससे थोड़ा वैसे देख सकते हैं आपको नॉइज़ आने लगे, तो इसको रिमूव करने के लिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। सो ओके गाइस ये हो चुका है। फिर आपको अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग काफ़ी फोटो एडिट हो चुकी है। तो अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें आ जाना है सिलेक्टिव टूल के ऊपर, जो आपको प्रीमियम वर्जन में ही मिलता है। तो आपको वो डाउनलोड करने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बताऊँगा कि लाइट रूम प्रीमियम वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, और फिर गाइस आपको इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। और फिर गाइस आपको अपने जो बॉडी है उसके ऊपर पूरा इसे ऐसे सेट कर लेना है। तो इसको इसका हम लोग गाइस साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। आप देख सकते हैं अगर रेड रेड से क्या बोलते हैं इसकी मार्किंग पता चलती रहती है, ठीक है। इसको आपको पूरी बॉडी पे लगा देना है अपने, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे उन्होंने पूरी बॉडी के ऊपर लगा दी है। फिर आपको सिंपली आ जाना है इस वाले टूल के ऊपर, और गाइस फिर आपको आ जाना है नीचे वाले टूल के ऊपर। तो इधर आपको इस टेम्परेचर को थोड़ा सा घटा देना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घटा देता हूँ, -21 कर देता हूँ, और गाइस सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 17 कर देता हूँ। ओके गाइस, फिर उसके बाद हम लोग को इसमें आना है ह्यू में, और इसको ग्रीन में रखना है। ओके गाइस, तो ग्रीन में मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको गाइस 134 कर देता हूँ। आप लोग जिसमें काफ़ी सही अब लुक आने लगा है, मैं डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर गाइस आप लोग एक बार आपको कुछ नहीं करना है, आपको कर्व इस वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, कर्व के ऊपर आना है, ब्लू के ऊपर आना है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद काफ़ी ब्लू थोड़ा आ जाएगा आपकी फोटो के अंदर। तो गाइस यहाँ पर हम लोग फाइनली जो फोटो है वो एडिट हो चुकी है, तो मैं आपको एक बार बिफोर एंड आफ्टर लुक दिखा देता हूँ। तो गाइस ये हम लोग की बिफोर लुक थी, और ये हम लोग की अब आफ्टर लुक है, जो कि एकदम बैकग्राउंड के साथ मैच कर रही है। तो गाइस आपको भी ऐसी फोटो एडिट कर लेनी है, फिर गाइस आपको चले जाना है 3 डॉट्स के ऊपर, और गाइस आपको जाना है C2 डिवाइस के ऊपर, और हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी पे क्लिक करके आपको सेफ्टी डिवाइस कर लेना है। तो गाइस प्रिपेयरिंग हो रही है, और आपकी फ़ोटो जो है वो डिवाइस में एक्सपोर्ट हो गई है। ओके गाइस, तो ये था एक बहुत ही इजी ट्यूटोरियल HD फोटो एडिट करने का अर्थ मास्क से, जिसमें आप क्वारंटीन को अपना थोड़ा फन बना सकते हैं, क्वारंटाइन कंसेप्ट था इस फोटो में। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करके जाइए, कमेंट में बताइएगा आपको अगला ट्यूटोरियल किस चीज़ का चाहिए, और ये वाला ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। फिर भी सबको बता रहा हूँ तेरे बारे में, सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ तेरे लिए, मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी।